छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता और बड़े पदाधिकारी शामिल रहे। अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चुनाव में संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने की बात कहकर झूठ परोसा गया था। कांग्रेस को मोदी जी से भय है और भय इसलिए है कि मोदी जी के चलते इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। मोदी जी ने 10 सालों में बहुत से रिफॉर्म किए हैं और इन रिफॉर्मों को जनता के बीच लेकर जाना है, अपनी रफ्तार को बढ़ाना है, दिशा ठीक रखना है। वहीं प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि सौभाग्य की बात है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का मार्गदर्शन मिलेगा। विधानसभा लोकसभा में सभी ने परिश्रम की पराकाष्ठा पार की, 11 में से 8 लोकसभा सीटों पर 50,000 वोटों से जीती। बहुत से विधानसभा सभाओं में बम्पर लीड मिली, इसके लिए सभी का अभिनंदन। भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र को चरितार्थ कर रही है। देखिए यार, ट्रेन इतना ना धो रहा है, क्या बात हो गई। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सन 1950 में ट्रेन मैंने रेल विभाग में जो उसका रेवेन्यू जनरेशन होता था वो 88% फ्रेट से होता था, कि इससे होता था, मालगाड़ी से, माल के ढोने से होता था, माल के किराए से होता था, 88%। और 2014 में ये घटकर के हो गया था 18%। 2014 में घटकर हो गया था 18%। अब 2025 में ये फिर से, 2024 में ये फिर से 25% हुआ है। रेलवे डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू है वो माल वाहन से कितना हुआ, तो 1950 में 88% था, वो कम होते होते 2014 में 18% हो गया, और अभी 2024 में ये फिर 25% हुआ है। एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना है कलकत्ता से लेकर के पालघर महाराष्ट्र तक, और वो उसका बीच पड़ता है छत्तीसगढ़ में, जिसका बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन योजना कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से ये फ्रेट कॉरिडोर आएगा, बन करके तैयार हुआ है, और आने वाले समय में कैसे हम यहाँ से वहां तक लॉजिस्टिक्स पूरा डेवलप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो वो जो फ्रेट कॉरिडोर बना डेडिकेटेड, यानी कि उस लाइन पर अब सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां ही चला करेंगी, अब यात्री गाड़ियां उस लाइन पर नहीं चलेंगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है हमारे देश में। इससे कितने बड़े बड़े परिवर्तन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। आपको एक और बात ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब 2014 में पूरे भारत के ब्रॉडगेज जितने रोड हैं उसका 22,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, 2014 में 22,000, 67 साल की सरकार में 22,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन, जो ऊपर विद्युत लाइन से चलने वाली होती है, 22,000 किलोमीटर का हुआ था, अब यह 63,000 किलोमीटर है। आश्चर्य है भाई, मैं बताऊंगा आपको, अब यह 63,000 किलोमीटर, 10 साल में 44,000 किलोमीटर, 10 साल में 44,000 लगभग किलोमीटर, और उससे पहले 67 सालों में जो हुआ उसका दोगुना काम करके भी इस सरकार, 2 साल की, 2 बार की मोदी जी की सरकार ने दिया है। मैं आपको एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं, सन 2014 तक नेशनल हाईवे बनता था तो वो नेशनल हाईवे बनता था 7 से 9 किलोमीटर प्रतिदिन के रफ्तार से, 7 से 9 किलोमीटर प्रतिदिन के, 8 से 11 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से। अभी 2014 में नेशनल हाईवे बनता है लगभग 28 से 31 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से, 28 से 31 किलोमीटर 2014 में और 2024 में कितना बड़ा फर्क है, ये फर्क एक बार देखने और समझने के लायक है। आपको ध्यान पूर्वक बताना चाहता हूं कि एयरपोर्ट सब ऑपरेशनल 2014 में थे 74 और अभी है 148, लगभग डबल, 67 साल में 74 और 10 सालों के अंदर अंतर्गत फिर से 74 बनके 148 एयरपोर्ट सब ऑपरेशनल है हमारे देश में। ये बड़ा परिवर्तन है। विश्वविद्यालयों की संख्या तब हुआ करती थी 341, 341 नए विश्वविद्यालय 2014 से 23 के बीच में बने। सागरमाला हमने बहुत सुना है, सागरमाला के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, पूरे देश में 12 एयरपोर्ट थे जिसमें 6,000 किलोमीटर से अधिक का हमारा रेल ये है
समुद्र तट है, उस समुद्र तट में सिर्फ 12 पोर्ट हुआ करते थे, अब उन 12 पोर्ट्स के साथ साथ 200 और पोर्ट है जो ऑपरेशनल है हमारे देश में, 200 और पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स के माध्यम से एक्सपोर्ट अब शुरू हुआ है, इंपोर्ट के भी काम उसमें उसके माध्यम से शुरू हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी संस्था हमारे देश में 2014 में 15 की संख्या में हुआ करती थी, आज यह 2024 में 23 है, 23। एम्स, हमारे रायपुर का एम्स है, हमको ध्यान है कितना बड़ा है ये एम्स, कितना बड़ा है। ऐसी संस्थाएं जो हमारे भारत में 2014 में 6 हुआ करती थी, आज इनकी संख्या 21 है, 21। हर साल 2 एम्स की दर से भारत में एम्स बना हुआ है। मैं आपको ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट की दिशा में, एक्सपोर्ट की दिशा में अन्य चीजों के एक्सपोर्ट को छोड़ दीजिए, आप सुरक्षा सामग्रियों के एक्सपोर्ट की जब आप बात करेंगे तो सुरक्षा सामग्रियों के एक्सपोर्ट में 2014 में 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था ले दे करके, अर्थात हमारे सेना के लिए आवश्यक छर्रे भी हमको इंपोर्ट किया करना पड़ते थे। और 2024 में जब आज हम खड़े हैं, हम मिसाइल एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं दोस्तों, मिसाइल एक्सपोर्ट करने वाले, ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिलीपींस उसका पहला खरीदार हुआ है।